ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों सो आपने कल के व्लॉग में देखा कि मैं और हिम्मत कर रहे थे लॉन्ड्री एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरी ना नक थोड़ा ख़राब है आज दिन के लिए तैयार होते हैं सबसे पहले हम अपने दांतों को चमकाएंगे उसके बाद मेरा आज हेयर वॉश करने का दिन होता है संडे सो हेयर वॉश करने से पहले मैं हेयर को अच्छी तरह ब्रश कर लेती हूँ फिर बहुत अच्छी तरह वॉश होते हैं एंड हेयर वॉश करने के बाद मैं उनको एक प्यारे से टॉवल से लपेट लेती हूँ ताकि वो अच्छी तरह टॉवल ड्राई हो जाए उसके बाद हम करेंगे नन्नी मन्नी सी स्किन केयर एंड हम करेंगे थोड़ा मेकअप आज के दिन के लिए ऑलमोस्ट मेरा एवरी डे मेकअप जो रूटीन है वही मैं फॉलो करने वाली हूँ थोड़ा सा मैं स्किन पे नो मेकअप मेकअप लुक वाला फाउंडेशन क्रिएट करूँगी बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम सिर्फ मेरे स्कार्स को थोड़ा सा फ्लॉलेस लुक देने के लिए उसके बाद बहुत ही बेसिक सा आई लुक करूँगी मैं मेरे ब्राउज़र के साथ ही और आईब्रो प्रोडक्ट्स के साथ देन आईब्रो को फिल कर लेंगे मस्कारा लगा लेंगे और सिमोर लैशेस लगा लेंगे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक सा क्विक 10 मिनट मेकअप होता है मेरा एंड वंस माय मेकअप इज़ डन आज मेरे बालों को स्टाइल करने का दिन है जो कि मैं एक हफ्ते में एक ही बार करती हूँ उसके लिए हमें क्या करना है आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाओ का मैजिक टोनिक पाउडर ये इतना ज़्यादा मज़ेदार है आपको पता है मेरे बाल कितने ज़्यादा फ्रिजी एंड कर्ली किस्म के हैं पर इसके साथ वो बिल्कुल मस्त हो जाते हैं तो ये आपको करना होता है एक महीने में एक बार या फिर बालों को चार पांच बार धोने के बाद इतनी लंबी देर तक ये चलता है सबसे पहले मैं मेरे गीले बालों को ब्रश करती हूँ इस वेट ब्रश हेयर ब्रश के साथ ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है इससे आपके बाल बिल्कुल टूटते नहीं बहुत आराम से ब्रश हो जाते हैं वंस मेरे बाल ब्रश हो जाएंगे तो मैं बालों की सेक्शनिंग करके ये टोनिंग स्प्रे जो वाओ का है इसे सेक्शंस पे स्प्रे करूँगी जेनरसली और वंस ये अच्छी तरह स्प्रे हो जाता है उसके बाद फिर से मैं मेरे बालों को ब्रश करूँगी ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अब आप देख सकते हैं मेरे बाल टॉवल से ड्राई हुए हैं काफ़ी ज़्यादा वेट किस्म के ही हैं और इसी कंडीशन में हम इन्हें करेंगे ब्लो ड्राई करने से ये जो मैजिक टोनिक है ना ये मैजिक वाटर है टोनिक वाटर ये एक्टिवेट होता है जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं सो ब्लो ड्राई करने के लिए मैं ये रेवलॉन का ब्लो ड्रायर यूज़ करती हूँ वन स्टेप और इस पर काफ़ी समय लगेगा क्योंकि बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा गीले हैं पेशेंस के साथ मैं कर लूँगी और उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर जैसे भी आप इसको स्टाइल करते हैं अपने बालों को कर्लर के साथ या स्ट्रेटनर के साथ उसके साथ करें आप देखना कि कितनी अच्छी फिनिश आती है बालों की और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है अब मैंने ये कर लिया है अब मुझे अगले मंथ करने की ज़रूरत पड़ेगी सो ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है पर ऐसे लगेगा कि आपने अपने बालों की कोई ट्रीटमेंट करवाया है जैसे कैरेटिन जैसे इतना अच्छा हो जाता है घर Have you ever looked in the mirror and not seen yourself? Like you got lost somewhere along the way. Well, maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl. But I'm stuck on this rural street. And my smile won't come, but my hair still curls. And I guess that's how they recognize me. I'm not actually here anymore. I've forgotten what I came here for. You with the bright eyes, I envy you. Cold and bitter, that's what I've come to. That's what I've come to. There's no one.
आउटफिट ऑफ द डे चूज करेंगे। आपको पता है मुझे काला रंग पहनना पसंद है, तो काफ़ी सोचने समझने के बाद भी मैंने काले कपड़े ही चूज़ किए। आई डोंट नो इतना सोचती समझती क्यों मैं। सो मैंने पहना ये बहुत ही प्यारा सा काला टॉप, मुझे लगता है ये H&M से है एंड डेनिम भी H&M से है। कल की बची हुई जो लॉन्ड्री है उसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे धोबी घाट होता है, और सारे कपड़े जो हस्बैंड की क्लोज़ेट में जाएंगे, मेरी हिम्मत की बेडशीट, सारा कुछ हम अरेंज कर लेंगे। Can we take some time so we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find what we left behind, take the good from the bad, leave the rest to the time. If we feel the same when we're sober, then maybe we can start over. If we feel the same when we're sober, then maybe we can start over. Before we fell out of love and we parted ways, we got too used to fighting, all we did was surviving. Maybe we can love it what we used to say and our lies, all of the games that we play. Spend way too many nights wiping tears from our tired eyes. So if you're not taken, can we take some time so we can talk until the birds wake up. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आप? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, होपफुली अच्छे हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपने संडे वाले दिन में क्या क्या करती हूँ। सुबह से लेके 2 बज चुके हैं एंड नाउ आई एम डन विद आधा काम, अभी आधा काम बाकी है। खूब सारे राजमा भिगो दिए हैं मैंने कुक करने के लिए। इन्हें मैं कुक करूँगी अराउंड 2 आवर्स में, और वो 2 आवर्स मैं और हिम्मत आने वाले हैं क्विक ग्रॉसरी स्टोर पे, क्योंकि हमें राजमा के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए और सैलड के लिए एंड रायते के लिए एंड कल हिम्मत का स्कूल भी है उसके लिए भी। एंड देन डे बिफोर टुमारो आई हैव टू रिटर्न माय बुक। गाइस आई सेड आफ्टर नॉट बिफोर, राइट मम्मा? राइट मम्मी। वी आर गोइंग, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी? आई एम टू टायर्ड। ओके सो हस्बैंड घर पे नहीं थे और हमें आदत नहीं उनके बिना रहने की, और मुझे अच्छी नींद नहीं आई। वैसे भी मुझे अच्छी नींद नहीं आती, पर कल तो बहुत ही मुश्किल हो गया। फिर सुबह जब बहुत सुबह हुई थी तो मुझे अच्छी नींद आ रही थी एंड मैं और हिम्मत काफ़ी देर तक सोते रहे, पर उसके बाद हस्बैंड ने कॉल किया कि वो घर पे आएंगे एंड उनको अच्छा सा कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए चाहिए। तो मुझे लगा कि राजमा राइस अच्छे कम्फर्ट फूड है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से फैंसी फैंसी फूड खा रहे हैं, तो राजमा राइस कुक करूँगी। उसके साथ मैं मेरी ग्रीन चटनी बना लूँगी एंड अच्छा सा ग्रीन सैलड बना लूँगी, क्यूकम्बर्स एंड ऑल, एंड दैट्स इट। सिंपल फूड बनाऊँगी मैं। पर कल पूरा दिन मैं और हेमल लॉन्ड्री कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का स्टफ था क्लीन करने के लिए, क्योंकि बेड शीट्स धो रही थी मैं, कवर्स एंड एवरीथिंग। सो अब मेरा वो डन हुआ है आज, एंड 2 बज चुके हैं एंड सुबह से अराउंड 9:30 से मैंने काम करना शुरू किया है। एंड अब मुझे ना चाय पीने के लिए मन है, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर जाने से पहले अगर चाय पी के जाओ ना तो फिर मज़ा आता है मुझे ग्रॉसरी करने में। ऐसे अलग से फालतू चीज़ें नहीं खरीदती हूँ मैं। सो मैं चाय पीती हूँ क्योंकि हिम्मत का कोई दोस्त आया, वो थोड़ी देर उसके साथ बातचीत करेगा एंड देन हम कुक करेंगे। कुकिंग के लिए मुझे लग रहा 1 आवर लगेगा मुझे, एंड देन वी आर डन राइट। मेक आर सेल्फ अ चाय। आज मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, आज मैं पीऊँगी स्टीप टी। बदकिस्मती से मेरी कॉफ़ी फिनिश भी हो चुकी है। बदकिस्मती कहेंगे इसको, खुशकिस्मती कहेंगे।
एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था ना ये बहुत प्यारे से कप मैं लेके आई थी बेड बाथ एंड बियॉन्ड से। ये जो कप है ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे, पर मैं सिर्फ दो लेके आई थी, एक उनके लिए एक मेरे लिए। हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें और लेने चाहिए 3-4 ताकि इस पर तुम कॉफ़ी सर्व करो क्योंकि इसमें कॉफ़ी बहुत खूबसूरत लगती है। एंड फिर मैं 4 और लेके आई हूँ। एंड या चाय बना लेते हैं। सो कल हम दोनों जापानीज मूवी देखते हुए उसको नूडल खाते देखा, हमारा भी दिल कर गया नूडल खाने के लिए। मैंने कहा कि तुम्हें खाने कह रहा कि बहुत लेट हो गया, मैंने कहा कि क्विकली सोबीस चलते हैं, हम लेके आएंगे कप नूडल्स। 9:15 हुए थे एंड सोबीस बंद हो रहा था आई थिंक 10 बजे। हिम्मत करा नहीं वो बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, पर जो सोबीस है वो हमारे घर से सिर्फ वो हमारे घर से लेस देन 5 मिनट दूर है। हम दोनों गए एंड नूडल्स लेके आए और खाए हमने, बहुत मज़ा आया। ऐसे हमने बहुत सालों के बाद किया कि अगर आपको कुछ क्रेव हो रहा है ना, रन एंड गेट इट एंड ईट इट। मेरा मम्मी कह रहा कि वी आर सो क्रेजी डूड्स। जब हम चंडीगढ़ में थे ना तो बहुत बार ऐसे होता है कि आराम से बैठे हैं बहुत रात है एंड दिल कर रहा है कि यार गुलाब जामुन खाते हैं। तो हमें पता है कुछ कुछ प्लेस है वो 10 बजे बंद होंगे 11 बजे बंद होंगे, तो हम वहाँ पे जाके गुलाब जामुन खाया करते थे। वेट नहीं करते थे अगले दिन की, अलग सी एनर्जी थी ना हमारे पास कि कुछ भी करने के लिए दिल करता है लेट्स डू इट, कोई मतलब नहीं नेरा या दिन ना वट एवर। सो कल मैं और हिम्मत ने यही किया, मैंने कहा कि डैडी अगर देखेंगे तो गुस्सा होंगे कि अधी रात किधर घूम रहे तुम दोनों। हिम्मत कह रहा कि या दैट्स अ स्टोरी अबाउट मी एंड मीमी बीइंग क्रेजी। कल तो हमने बहुत क्रेजी कर लिया। ओके बहुत सिंपल मज़ेदार स्टीप टी तैयार है, वेरी नाइस। बैक है आराम से पीती हूँ एंड आपको मिलूंगी मैं ग्रॉसरी स्टोर के समय। ऑलराइट दोस्तों घर वापस आ गए मैं और हिम्मत। ओके हिम्मत चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने की। ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हुए हमने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम दोनों बहुत व्यस्त हो गए थे सामान खरीदने के लिए। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ, हरी इलायची लेके आई हूँ, पेपर्स लेके आई हूँ, शायद मैं पनीर की भी सब्ज़ी बनाऊँ, और खूब सारे टमाटर लेके आई हूँ, बनाना लेके आई हूँ, पनीर लेके आई हूँ एंड देसी घी लेके आई हूँ मैं। वैसे देसी घी हम बनाते हैं घर में पर ये मैं जब मेडिटेट करती हूँ उसका दिया जलाने के लिए है ये। सो ये शुद्ध बढ़िया देसी घी। दही लेके आई हूँ मैं हिम्मत के लिए, दही लेके आई हूँ, क्रीम लेके आई हूँ मेरी कॉफ़ी के लिए एंड ऑल्सो क्रीम लेके आई हूँ मैं थोड़ा शाही पनीर बनाने के लिए। एंड और क्या है हिम्मत के लिए, ये लेके आई हूँ मैं कंपास का सेट, जो मैथमेटिक का वो सेट नहीं होता है उसमें डी होती है सब कुछ, उसे बहुत इंटरेस्ट है और उसे चाहिए भी सो वो उसके लिए। एंड लैश ग्लू लेके आई हूँ एंड दो लेके आई हूँ मैं पिद्दी सीजर्स, एक तो मेरे लिए क्योंकि हस्बैंड लेके जाते हैं मुछा कटने के लिए वापस नहीं करते, और ये दिस टाइम हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ, उसमें पिद्दी सी एक कॉम भी है। सो ये मेरी है, ये पति की होगी और मेरा लैश ग्लू। एंड एक और मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रीन पेपर्स भी लेके आई हूँ मैं। और हिम्मत का कफ सिरप मिला है बहुत मुश्किल से, ये वाला जो कफ सिरप है ना वो आसानी से पी लेता है, ये बैनलिन ब्रांड है और इसमें उसे ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे उसे अच्छी नींद भी आ जाती है। हिम्मत बिल्कुल ठीक है अब, पर ड्राई कफ होता है ना तो इससे वो सूद हो जाती है रात को, अच्छी नींद आ जाएगी बार बार खांसे खानी। सो बड़ी मुश्किल से मिली है और आप दो से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि कह रहे हैं कि सारे बच्चे बीमार हैं, हर एक फैमिली दो ही ले सकती है ज़्यादा। और मैं लेके आई हूँ मेरे लिए ये एक ग्लिटर्स जो कि है फ्लावर ब्रांड से, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इनको ट्राई करने के लिए। थोड़ा सा करिए कैसे आप अपनी लुक को पार्टी वेयर बना सकते हैं, इसको ट्राई करेंगे बाद में। एंड हिम्मत को ये टी शर्ट चाहिए थी, कह रहा कि हर कोई बच्चा पहन रहा है और मुझे भी चाहिए, ये हमने ली है जो फ्रेंड से सुपर स्टोर, कनेडियन सुपर स्टोर से, और एक रेड एंड एक ब्लू, आई डोंट नो क्या बोल रहा था वो, उसने कह रहा मुझे ये चाहिए, एवरीबॉडी इज़ वेयरिंग दिस आई वांट टू वेयर दिस, ये उसके लिए। एंड घर में पहनने के लिए शॉर्ट्स भी जो फ्रेंड से लिए मैंने, उसे बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट्स ही पहनता वो सारा टाइम। अब हम कुकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे कुछ ही देर में, पहले मैं ये ग्रॉसरी को थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ। मैंने ये लिपस्टिक ली है NYX की, जो एक तरफ से लिपस्टिक है दूसरी तरफ ग्लॉस, जो कहते हैं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत शाइनी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये चीज़। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, एक ही कलर लिया है मैंने, इसको हम ट्राई करेंगे। ओके लिप शेड मैंने ट्राई कर लिया है, मैंने सुना कि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाता है पर हुआ नहीं है और मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा, पर कितना सही लग रहा ना शाइनी सा। और जो शेड मैंने ट्राई किया है, काफ़ी सारे शेड है और जो मैंने ऐसे रैंडमली पिक किया जो मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर थोड़ा ठीक लगेगा, वो है कौन सा
देखना पड़ेगा. ओके, शेड का नाम नहीं है पर नंबर है. नंबर है SLHP04 नंबर है, ठीक है. सो आप भी ट्राई कर सकते हैं, पर काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है मेरे जब लिप्स पे. सो सामान को ऑर्गेनाइज करने से पहले एंड कॉफ़ी का एक कप पीने से पहले मैं राजमा की तैयारी शुरू कर लेती हूँ. अभी हस्बैंड एंड उनके दोस्त लेक लुइस पे थे जब हमने उनको लास्ट टाइम कॉल किया, और मुझे लगता है 2 घंटे की ड्राइव है एटलीस्ट. 2 से कम होगी. सो टमाटरों को बॉयल करना है मुझे. अगर ये राजमा की रेसिपी देखना चाहते हैं ना, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है. बहुत ही मज़ेदार राजमा बनते हैं. अगर आप ऐसे बनाएंगे ना, जो भी आपका राजमा खाएगा फैन हो जाएगा, आप भी हो जाएंगे. तो राजमा को बॉयल करने के लिए रखती हूँ एंड टमाटर को मैं माइक्रोवेव में करूँगी ताकि जल्दी हो जाए. सो उसके बाद हम कॉफ़ी पीते हैं या कोई स्नैक की ब्रेक लेंगे. ओके, सो 6 टमाटर कर लियो, क्योंकि इस रेसिपी में अनियन नहीं होते हैं, तो सारा कमाल टमाटर का होगा और मुझे खूब सारा चाहिए. इसके बिना मैं थोड़ा सा टमेटो पेस्ट भी यूज़ करूँगी. लिप्स तो मेरे ऐसे लग रहे हैं जैसे पुराने ज़माने की मूवीज़ में गर्ल्स के नहीं होते, लाइक श्रीदेवी के, जया प्रदा के. मेरे स्वामी अभी तो घर नहीं आए. Took you back in my head, I made you holy. That was probably on me. Back in time, I didn't love me. Kept breaking my heart just for fun and made me think if I deserve it. Mind games are kinda toxic. Fuck me up and you ain't sorry. लगाने वाली हूँ राजमा को तड़का. एंड ऑल्सो मैंने मिंट वाली चटनी बना ली है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है राजमा के साथ. आई होप उनको भी अच्छी लगेगी. एंड मैं देख रही हूँ मेरी कल की लेफ्ट ओवर जापानीज मूवी, इतनी सी बची थी, वो फिनिश हो जाएगी. और वैसे भी जब कुछ सुनते हुए काम करो ना, तो लगता नहीं कि काम कर रहे. I don't know what I would do if I heard your voice across the room at some party in some house with music that's way too loud. I would probably act all cool and nice, try to be seen by your eyes, secretly hoping you notice me, wishing you know it's somebody. So if you're not taken, can we take some time so we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find what we left behind, take the good from the bad, leave the rest to the time. If we feel the same when we're sober, then maybe we can start. Alright दोस्तों, so far मेरा salad बन चुका है, चटनी बन चुकी है, राजमा बन चुके हैं, rice मुझको बनाने हैं, वो भी मैं बनाने वाली हूँ अभी. Then खाने के लिए सब कुछ तैयार हो जाएगा. एंड मैंने क्लीनिंग भी कर ली है, डिशेस भी मैंने वॉश की.
सो मैं सोच रही हूँ कि राजमा तैयार है, मैं मेरे नेबर को दे के आती हूँ जल्दी से थोड़े से राइस। आई होप उनको अच्छे लगेंगे। जल्दी से देख के आती हूँ ये उनकी कटोरियाँ भी जिसमें वो देखे गए थे मुझे गोलगप्पे। आई बी बैक, बाय। ओके सो राजमा देखे वापस आ चुकी हूँ मैं। आई होप उनको अच्छे लगेंगे। वो कैसे रिव्यू देते हैं मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर कोई रिव्यू नहीं भी देंगे तभी बताऊँगी। सो मैं राइस बनाने वाली हूँ। हस्बैंड लोग वहाँ से मुझे लग रहा चले थे 5:40 पे एंड 6:40 होने वाले हैं। उन्होंने कहा 1.5 घंटा लगेगा। सो राइस तब तक गर्म ही रहेंगे, अदरवाइज माइक्रोवेव कर लेंगे। बाय, मैं जा रही हूँ अपनी फिल्मों की दुनिया में। दोस्त पहुंच चुके हैं जिनके लिए मैंने खाना बनाया है और मेरे हस्बैंड मजबूर कर रहे थे कि उन्होंने ऑकवर्ड करो तो उन्होंने रिव्यू लो। आप भाई साहब दिल्ली च फिल्मों च काम करते हैं। दिल्ली च कड़िया फिल्मों बनिया बंबे कहंदे या दिल्ली भी नहीं, एक्टर दिल्ली तो जांदे ना बंबे। ओके यार, ए दिल्ली इना दी एड एजेंसी है खुद। जे किसी ने कोई कोई स्ट्रगलिंग गर्ल आ गर्ल ओना दी वाइफ ने देखना व्लॉग पर गाना देखी आप बंदे नु मिले तू ही जेड़ा गर्ला भेजन दे स्ट्रगलिंग नवा नवा करियर उंदा भरा तू पुराने करू तू चौथा पंजवा करियर सोच रहा मैं। संपर्क किया जाए एड फिल्म्स ली जा फिल्म नु बॉलीवुड च एंट्री ली। लोग कने कहना पाजी दा रूप ही कदी नहीं वेगा स्ट्रगलिंग गर्ल्स गर्ल्स। ओके मैं नहीं पोंदे इनकी फैमिली भी हमारी वीडियोस देखते हैं तो वो उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे वीडियो के थ्रू। सो दिस इज अ मैसेज फॉर काशवी एंड तनिष्का फ्रॉम डैडी। फ्रॉम डैडी, क्या बात है। थैंक्स भाभी। ये सिर्फ मैसेज काशवी और तनिष्का के लिए है। जो ये वीडियो आप देख रहे हो वो हमारी भाभी जी की है। अपने सामने बोला ना तू मेरी गल तो सुन लो यार। सिमोर भाभी जी, सिमोर भाभी जी के थ्रू मैं तुहानू ये वीडियो मैसेज देना चाहना है कि हाँ भी अही इन्हां दे कोल आए ही ते भाई सानू लेके गए बैफ। सिप दी यार कुछ ट्रिक दोस्तों। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त दिल्ली से आए हैं और इनकी जो प्यारी बच्चियां हैं वो हमारी वीडियोस देखते हैं और ये वीडियो के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको क्योंकि वो कह रहे हैं पापा आप जरूर आना व्लॉग में। सो पापा जी क्या कहना चाहेंगे आप। हाय काशी, हाय तनिष्का, आई एम यूट्यूब चैनल नाउ, कम टू कैलगरी। पापा सिर्फ आप ही के लिए आए हैं। जिस दोस्त के घर में आया हूँ ना वो अपना सारा काम छोड़ के मुझे और हम भाइयों को घुमाने लेके गए हैं कैलगरी के अंदर। बैफ फिर तू बैफ एंड हो गया निकाल तो सुन ला। ये दोस्त है सिर्फ यही है तुप्पड़ साहब ही ग्रेट। और हमने लेक लुइस देखा और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ आके पढ़े और यहाँ अपना फ्यूचर
अपना ब्राइट करें। आपके पापा की दिलो तमन्ना है। मम्मा के लिए भी मैसेज आएगा। मम्मा को तो मैं ले ही आऊंगा। सर आपका फ्यूचर क्या है? वेरी गुड, मेरा फ्यूचर है मैंने राजमा चावल खाने हैं, क्योंकि मैंने अभी वो चिकन टिक्का और फिश फुश सब कुछ खा लिया है और पैक शैक लगा लिए हैं। पापी ने बड़े प्यार नाल जिहड़े राजमा चावल बनाए दे ने इत्थे पे ने डोंगे दे विच। राजमा खा के तुहानूं नी मम्मी याद आ गई ना? तरसी तरसी नजरां नाल देख रहे हैं। ते इह जिहड़े राजमा चावल इन्हां ने बनाए ने ना पूरे जवाई जिहड़े साडी मम्मियां बनांदी रहियां घर गुरदासपुर वाले घर च है ओह जिहड़े राजमा चावल है। ते अज इह खाण दा नजारा फुल आना है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं भी राजमा चावल ली तरस। ये बंदा है सारे नु आईडिया देता है क्या क्या बोलना चाहिए। नहीं, मैं कोई नहीं आईडिया दे रहा, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूं। साडा बच्चा यार, ये हमारा बेबी है छोटा एंड ये भी कुछ कहना चाहेगा पर बेचारा आईडिया मांगन है और इसको पता नहीं कि आईडिया देती नहीं हूं मैं, टॉर्चर करती हूं सीधा। सानू भी लभ गया अज साडे घर वाले राजमा चावल। घटो घट डेढ़ दो साल हो गया कैनेडा, इधर टेस्ट नहीं सी मिलया। हां मानिक जद भी तेरा घर दा फूड खान नु मन करे ना प्लीज कम। आई ऑलवेज कम, तानू पता ही है। नेवर ऑलवेज कम, यू ओनली टू टाइम यू केम। ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ